बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबे शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एमएस वर्ड पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप्स बनाने के बारे में बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन स्लिप एमएस वर्ड के अंदर जो है वो उसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन स्लिप का जो फॉर्मेट है एमएस वर्ड के ऊपर जो है वो आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो आप उसी लिहाज से जो है यहाँ पर अपना जो है फॉर्मेट कंप्लीट कर सकते हैं। पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो है यहाँ पर जब एमएस वर्ड ऑन करेंगे तो बाई डिफॉल्ट जो आपका जो पेपर साइज होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो पेपर साइज है वो क्या रखना है। अभी फिलहाल मैं जो है एक ही साइज के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट है A4 साइज होता है। अगर आप अपने लिहाज से जो है वो साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप पेज लेआउट पे चले जाएं। पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट साइजेस वगैरह हैं कि आपको किस साइज के ऊपर जो है वो जो फॉर्मेट है वो आपको डिजाइन करना है। यहाँ पर लेटर हेडेड टैब लीगल है, टैब्लॉइड है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव, डिफरेंट आपको जो है यहाँ पर साइजेस नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर जो है वो A4 साइज और लेटर साइज जो हमारे पास गिवन है अभी हम लेटर साइज के ऊपर काम कर लेते हैं। अब इसके लिए आपको करना है कि आपको फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो टेबल जो है वो बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे हम अपना टेबल जो ड्रॉ करेंगे। पहले मैं यहाँ पर जहाँ कर्सर नजर आ रहा है इस कर्सर को मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। थोड़ा सा कर्सर को मैं नीचे ले आऊंगा इस तरीके से और यहाँ पर जो है वो मैं अपना टेबल बनाना शुरू करूंगा। टेबल के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है 4 कॉलम्स और 7 रोज। तो यहाँ मैंने जो है वो 7 रोज एंड 4 कॉलम्स जो है मैंने यहाँ पर बना लिए। अब अगर आप चाहें तो इनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो पेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास जो कॉलम साइज और रॉ साइज जो आ रहा है हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो यहाँ कॉर्नर से आप इसका साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अब इसके ऊपर काम कैसे करेंगे हम यहाँ पर, पहले हम यहाँ पर एंट्री करेंगे जो हमारा रोल नंबर होगा। तो इसके अंदर हमने एंट्री कर दी रोल नंबर और यहाँ पर जो ये तीनों जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं इन तीनों सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे और लेआउट्स पे चले जाएंगे। लेआउट पे देखें हमारे पास जो ऑप्शन होगा कि हम अपने तमाम सेल्स को एक सेल बना दें। तो इसके अंदर हम करेंगे इसको मर्ज सेल्स। तो मर्ज सेल्स करेंगे, ये एक सेल बन गया है। अब यहाँ हमें करना ये है कि जो भी हमारा रोल नंबर होगा वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो नंबर्स हैं मैं कुछ इस तरीके से जो है वो ऐड कर देता हूँ। फिर इसी के साथ नीचे वाले सेल पर आएंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे इंडक्शन, यानी कि जो भी आपका बैच नंबर होगा या उसको इंडक्शंस भी कहते हैं और इस तरीके से हम बैक स्लैश डालकर बैच इस तरीके से हम दोनों लिख सकते हैं। और बैच नंबर आपके पास क्या है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे कोई भी बैच नंबर हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर लिख दिया आपने 2018 का बैच। और फिर इसके बाद जो यहाँ पर आप ऐड करेंगे ग्रुप, तो ये एंट्रीज हैं रजिस्ट्रेशन की कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और इधर हम ऐड कर देंगे मैट्रिक साइज, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने एजुकेशन लिख दी यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ हम ऐड करेंगे नेम, नेम के बाद फिर हम जो हमारा नेम होगा वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक नेम ऐड कर लेता हूँ। फिर इसी के साथ नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पर जो भी ब्रांच होगी या कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए आप काम करना चाह रहे हैं तो वो आपके जो है रजिस्ट्रेशन के अंदर जो मैंशन होता है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कैटेगरी। अब कैटेगरी क्या है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो अब कैटेगरी के अंदर जैसे हम यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल असिस्टेंट। और इसके अलावा यहाँ पर हम ऐड करेंगे सीएनआईसी, जो हमारा सीएनआईसी नंबर होगा तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे सीएनआईसी। अब सीएनआईसी नंबर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपका पर्सनल जो आपका सीएनआईसी नंबर होगा वही ऐड होगा। फिलहाल यहाँ पर जो है वो है मेरा डाटा जो है वो एक सैंपल है, तो मैं अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन वाइज जो है मैं यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर तमाम रिकॉर्ड्स जो है उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपका टेस्ट होगा उसकी डेट और उसका टाइम मेंशन होगा, तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं टेस्ट डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम क्या है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 30, तो डेट हम लिख रहे हैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2014 ऐड कर देते हैं यहाँ पर हम।
और इसके बाद 15 ऐड कर दिया हमने। और अब टाइम क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड होगा कि जितने जिस डेट को हमारा टेस्ट है तो उसके आगे टाइम भी लिखा होगा कि कितने बजे जो है वो आपका टेस्ट है। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 1 o'clock, यानी कि 1 o'clock, आगे आप चाहे तो इस तरीके से AM PM जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया AM PM लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद जो हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ, तो अभी हम जस्ट इसमें एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कॉलम को मैनेज कर लेंगे, इनके साइजेस को, रॉज और कॉलम्स को। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया 1 जनवरी और 1990। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे, अब यहाँ पर आपके पास है सिलेक्शन सेंटर जो होगा उसका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं सिलेक्शन सेंटर। अब सिलेक्शन सेंटर का जो एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैनेज भी कर लेते हैं साथ साथ। तो डेट ऑफ बर्थ वाला जो हमारा कॉलम है और जिसकी रॉ है पूरी, इसका साइज हम थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। लेकिन इसके बाद पहले आप क्या करें, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, इनकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। अलाइनमेंट हमारे पास लेआउट में होगी, तो मैं इसको यहाँ पर सेंट्राइज कर देता हूँ। तो इस तरीके सेंट्राइज होगा, और अगर यहाँ पर कोई रेड लाइन्स आ रही है तो आप राइट क्लिक करके जो है यहाँ से इसको इग्नोर ऑल कर दीजिएगा, तो रेड लाइन भी यहाँ से इस तरीके से रिमूव हो जाएगी। अब सिलेक्शन सेंटर्स, अगर आप चाहते हैं कि जो आप टेक्स्ट लिखा हुआ है सेंटर रखना चाहते हैं, सेंटर भी रख सकते हैं, डिफरेंट अलाइनमेंट है। तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर लेफ्ट कर देता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। अब एड्रेस क्या क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे मैं एड्रेस लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल XYZ ब्लॉक डी एरिया फास्ट, तो ये मैंने फिलहाल इस तरीके से ऐड कर दिया। अब नीचे आते हैं, अब यहां पर हम ऐड करेंगे फादर नेम, फादर नेम ऐड हो जाएगा, और फादर नेम के अंदर हम यहां पर ऐड कर देंगे अब यहाँ हम बात करेंगे, नीचे आते हैं यहाँ पर टेस्ट जो वेन्यू होगा, टेस्ट की में जो है वो कहाँ पर है, तो इसके अंदर हम ऐड करते हैं टेस्ट, और टेस्ट वेन्यू इधर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास जो टेस्ट नंबर का जो एड्रेस होगा वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट जो भी इस पर मैं फिलहाल लिख रहा हूँ, तो ये आपको दोबारा से बताता हूँ कि ये एक सैंपल है, तो जो एक्चुअल इसके अंदर जो आपके जो एंट्री होगी, आपका जो डाटा होगा प्रॉपर, आप वही इसके अंदर ऐड करेंगे। बाकी जो टेबल के साथ किस तरीके से परफॉर्म करना है और MS Word को किस तरीके से यूज़ करना है, तो वो तमाम चीज़ें जितनी भी रजिस्ट्रेशन स्लिप्स होती हैं और स्कूल स्लिप्स होती हैं और एम्प्लॉय सैलरी शीट स्लिप्स होती हैं, तो वो कैसे बनती हैं वो MS Word के अंदर, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं बता चुका हूँ MS Word के अंदर। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से MS Word प्रोजेक्ट का जो आपको जो है पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से हमने डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हुए MS Word के ऊपर, तो कैसे बनाते हैं, तो तमाम वीडियोस आप वहाँ से देखें तो अपने MS Word को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर जो आपका है पोस्टल एड्रेस आएगा, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस आ जाएगा। अब पोस्टल एड्रेस में वो होगा जो आपका अपना पर्सनल होगा, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ASD ब्लॉक H। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका डोमिसाइल होगा, तो ये आपका डोमिसाइल आ जाएगा। अब डोमिसाइल आपका कहाँ का है, किस तरीके का है, तो वो आप यहाँ पर जो है डोमिसाइल्स का नाम लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ DXN और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से वेस्ट। अब ये हमारा जो काम हो गया है, जो हमने टेबल के अंदर जो एंट्री करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब आप चाहे तो इसको सेलेक्ट करके इसके साथ फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है या इसको बोल्ड करना है तो वो भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जस्ट जो हेडिंग्स होंगी इनको हम बोल्ड कर देंगे ताकि हेडिंग्स आपको अलग से इस तरीके से नज़र आए, और इसके अलावा जो रिटर्न है वो आपके पास अलग से नज़र आए। तो ये हमारी हेडिंग्स हैं, तो इनको हमने यहाँ पर बोल्ड कर दिया थोड़ा सा, और बाकी जो आपके जो सिंपल टेक्स्ट है वो आपकी जो है वो एंट्री है इसके अंदर। अब ये हमारा टेबल मुकम्मल है। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, तो एक टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पर इस तरीके से जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं,
और टेक्स्ट बॉक्स का जो फिल कलर है यहाँ से ऑफ कर देंगे, और इसकी आउटलाइन भी हम यहाँ से ऑफ करेंगे, और यहाँ पर जो हमने ऐड करना है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास आ गई है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर। अब इसके बाद हमें करना ये है कि आपको यहाँ पर लाइंस ऐड करनी होगी, तो लाइंस आप चाहे तो सिंपल से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो माइनस प्रेस करके भी जो है वो लाइन आप ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस तरीके से ऐड करेंगे शिफ्ट के साथ, जब आप माइनस प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो लाइन्स जो इस तरीके से ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपने करना है कि आपने इसी टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल के साथ क्लिक करके नीचे ड्रैग करना है, इसकी कॉपी निकाल लेंगे। कॉपी निकालने के बाद यहाँ पर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो भी आपके रिमार्क्स होंगे वो आपने नीचे ऐड कर लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से फिलहाल जो लाइन है इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो आपके रिमार्क्स होंगे वो आप ऐड करेंगे। अब जैसे आपके मैट्रिक साइंस रिमार्क्स, अब जितने रिमार्क्स होंगे वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑब्टेन मार्क्स हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, सिंपल ऑब्टेन लिख लेते हैं यहाँ पर 850 ऑफ 1000। तो यहाँ हमने ऐड कर लिया इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो आपके पास सेक्शन होगा उसके लिए आप क्या करें, इसी टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी निकालें, और यहाँ पर आपने जो है सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अंडरलाइन ड्रॉ कर दी है ताकि यहाँ तक आपका जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देते हैं। अब यहाँ नीचे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पर हमें ऐड करनी होगी, और इससे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर इसी टेक्स्ट बॉक्स की यहाँ पर हम कॉपी निकाल लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। अब रिक्वायरमेंट जैसे हमारे पास है, रिक्वायरमेंट ऑन डे ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, बोल्ड कर देंगे यहाँ पर, और साइज हम थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर देंगे क्योंकि ये एरिया आपको थोड़ा सा अलग सा जो है यहाँ पर नज़र आना चाहिए। और टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा हम नीचे इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको करना ये यहाँ पर, अब देखें नीचे अगर आपको जगह कम पड़ रही है तो आप यहाँ पर रख कर कर्सर और इसको थोड़ा सा बैकवर्ड कर लें ताकि नीचे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाए कुछ, अगर आपको राइट राइट करना है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि आपको यहाँ पर राइट करनी होंगी, तो नीचे आप आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो आपने कुछ रिक्वायरमेंट ऐड करनी है नीचे। अब जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन के, आप जब आएंगे टेस्ट के लिए तो आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए, और इसके बाद एंटर करते हैं, और यहाँ पर आप लिख लेंगे ओरिजिनल CNIC आपके पास होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास जो है वो 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और ये जो जो हमारे पर रिक्वायरमेंट होती है वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और लास्ट वन इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं मजीद, तो नेक्स्ट पेज पे चला गया हमारा। तो थोड़ा सा हम एक साइज और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, और नीचे आ जाते हैं, और अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं पेंसिल इरेजर एंड, और इसके अंदर हम लिख देंगे क्लिपबोर्ड। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट को आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप जो है इसके अंदर बुलेट्स बना लीजिए, और उसके बाद इनका जो कलर होगा वो आप चेंज कर लीजिए। अब आप चाहे इसको बोल्ड करना चाहे बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अलग सा नज़र आएगा, ये सेक्शन के रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है, और इसके अलावा जो ऊपर का जो सेक्शंस था वो भी हमने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर जो फादर नेम वाला कॉलम है, आप चाहे तो इसको मज़ीद बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं,
इस तरीके से। तो यहां हमने जो है डिफरेंट साइज रख ली हैं। अब इसके बाद जो आपको करना ये है कि आपने यहां से इंसर्ट पे जाना है, और इंसर्ट पे जाने के बाद शेप्स पे जाएंगे, और यहां पर आप एक स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके से। स्क्वायर बनाने के बाद आपको यहां पर जो है वो इसका जो फिल कलर है वो आप चाहे इसको व्हाइट करना चाहे व्हाइट कर दीजिए, और अगर इसका जो बॉर्डर है ब्लैक कर दीजिएगा, और अगर बॉर्डर्स को आपने मोटा करना है इस तरीके से, इसकी थिकनेस बढ़ानी तो बढ़ा सकते हैं। अब ये जो आपके पास जो बॉक्स हमने बनाया है, इसके अंदर जो आपका आपकी जो फोटोग्राफ होगी वो जो है वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। अब चाहे इसके अंदर आप हेडिंग देना चाहे हेडिंग भी दे सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक और जो है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम जो इसकी हेडिंग ऐड करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और फॉर्मेटिंग में सेंट्राइज कर देंगे। साइज हम बड़ा कर लेते हैं इसका, बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये रजिस्ट्रेशन स्लिप हो जाएगी हमारी, फॉर्मेटिंग भी चले जाते हैं। फिल कलर हम ब्लैक कर देंगे यहाँ पर, और आउटलाइन इसकी हम बंद कर देंगे, और यहाँ से हम जो टेक्स्ट कलर जो हमने लिखा है वो हम यहाँ पर व्हाइट कलर का जो है वो इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो पूरा आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट जो है वो तैयार है, इस तरीके से मैंने आपको आज ही क्लास में बताया है। यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन करके दिखाया था आपको मैं। तो ये आपकी जो है वो फॉर्मेटिंग होती है कि आपको अगर इस तरीके से काम करने को मिले एमएस वर्ड के ऊपर के इस तरीके का आपको एक फॉर्म बनाना है एमएस वर्ड पे, तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन होती है कि ये हमारे जो है फॉर्म किस काम का है। ये असल में इसका बनाने का जो मकसद ये होता है कि आपको एमएस वर्ड जो है वो प्रॉपर यूज़ करना है, कि इसकी जो यूजिंग है वो बेसिकली होती क्या चीज़ है, कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, टेबल क्या है, और टेक्स्ट बॉक्स को कैसे यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे, और इसकी अलाइनमेंट कैसे अप्लाई करेंगे। तो वो तमाम चीज़ें अगर आप हमारी पूरी क्लास देखेंगे और इसको इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये तमाम चीज़ें आपको ईजिली आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको जरूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।